शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। जी सबसे पहले जी आज जो क्वाइट 19 और लोकस पे इस सवाल में बहस की जा रही है, यकीनन ये हमारे लिए बायस तशवीश है कि आज पूरे मुल्क बलूचिस्तान पूरी दुनिया में कोविड 19 के हवाले से जो अमवात इंसानी जाने जो ज़ाया हो रही है, आज पूरी दुनिया तशवीश में है कि आया कैसे इकदाम किए जाए, अपने लोगों को कैसे बचाया जाए। जनाब स्पीकर साहब, बलूचिस्तान में जो बॉर्डर्स थे ईरान के साथ, तो उसमें शुरू दिन से हमारी पार्टी ने, बलूचिस्तान नेशनल पार्टी ने, हमारे कायद अख्तर जान मेंगल साहब ने, हमारे रुकन कौमी असम्बली सूबाई असम्बली सेनेट में हमने इस बात पर तशवीश का इजहार किया कि बॉर्डर्स खोले गए हैं, लेकिन सूबाई हुकूमत कहती थी कि मरकजी हुकूमत ने बॉर्डर्स खुलवाए और मरकजी हुकूमत कहती थी कि सूबाई हुकूमत ने बॉर्डर्स खुलवाए, लेकिन हम समझते हैं कि सूबाई हुकूमत इतना तो बाइख्तियार नहीं कि वो बलूचिस्तान के बॉर्डर्स के हवाले से फैसला करे। सूबाई हुकूमत को तो इतनी इख्तियार नहीं कि वो चीफ मिनिस्टर के ऑफिस का गेट खोले और बंद करे, वो बेइख्तियार लोग हैं, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने कोविड 19 के हवाले से कोई संजीदगी नहीं दिखाई। आज बलूचिस्तान मुल्क भर में कोरोना वायरस मुख्तलिफ इलाकों में मुख्तलिफ गली कूचों में इतना फैल चुका है कि अब शायद लोग उससे नहीं बच सके, सिर्फ अल्लाह पाक ही का सहारा है कि लोगों को बचा सके। जनाब स्पीकर, बलूचिस्तान की जियोपॉलिटिकल इम्पोर्टेंस, बलूचिस्तान एक वसी व अरीज सरजमीन है और उससे माला माल सरजमीन है, लेकिन आप जनाब की तवज्जो इस जानिब मबदूल कराना चाहता हूँ कि आज बलूचिस्तान के डॉक्टर्स पैरामेडिक्स अपने हिफाजती किट्स के लिए जब इब्तदाई दिन थे तो उन्होंने सरापा एहतजाज हुए कि जी हमें हिफाजती किट्स दिए जाए, वेंटिलेटर्स फराहम किए जाए, ऑक्सीजन प्लांट फराहम किया जाए, तो सूबाई हुकूमत इतनी नाहिल थी तो उन्होंने वो तमाम लवाजमात जो कोविड 19 के लिए जो चैलेंज थे वो उन्हें फराहम नहीं कर सके। तो इसका ये नतीजा निकला कि आखिरकार बलूचिस्तान के सीनियर डॉक्टर्स पैरामेडिक्स ने खुद चंदा करके अपने लिए किट्स लिए। आज पूरे बलूचिस्तान में, इतना बड़ा बलूचिस्तान, सिर्फ दो हॉस्पिटल्स हैं जिसमें पूरे बलूचिस्तान के 35 डॉक्टर्स ड्यूटी सर अंजाम दे रहे हैं, 35 डॉक्टर्स पूरे बलूचिस्तान के कोविड का मुकाबला कर रहे हैं। शेख जायद हॉस्पिटल और फातिमा टेबी सेंचोरियम, इसके अलावा अगर मकरान डिवीजन से या लसबेला से जो हज़ारों किलोमीटर का मुसाफत तय करके कोयटा है एक टेस्ट करवाने के लिए, तो बलूचिस्तान के दीगर अजला में जोब से लेके ग्वादर तक, किला अब्दुल्ला से लेके जीवनी तक और लसबेला से लेके नसीराबाद तक ऐसा कोई लेबॉरेटरी नहीं जो वहाँ के बलूचिस्तानी अवाम को कोविड 19 से बचाया जा सके। जनाब स्पीकर साहब, आज बलूचिस्तान के डॉक्टर्स, सीनियर डॉक्टर्स, आज बलूचिस्तान के पैरामेडिक्स, आज बलूचिस्तान के इंटेलेक्चुअल्स, आज बलूचिस्तान के राइटर्स की इतनी बड़ी तादाद में अमवात हो रही है। पिछले दिनों हमारे पार्टी के मरकजी दोस्त मंजूर शहीद मंजूर बलोच
तभी अमवात शहादत इसी कोविड-19 की वजह से हुआ कि वहाँ पे अस्पतालों में जनाब स्पीकर साहब कोई भी फैसिलिटीज़ नहीं दी गई है। आज बलूचिस्तानी लोग अगर पिशीन का कोई पेशेंट हो तो मजबूरन वो कराची जाना पड़ता उन्हें। अगर चागी रक्षान डिवीजन से नोशकी से अगर तफ्तान से सर किसी भी कोविड-19 से मुतासर अफराद को लाजमी आपको कोटा लाना पड़ेगा। वहाँ पे कोई भी सर किस नहीं है, कोई भी सहूलियत नहीं है। मैं आप जनाब की तवज्जो मबदूल कराना चाहता हूँ। लाखों की तादाद में खुजदार में जो किट्स दिए गए हैं टोटल 300 लोगों के लिए किट्स फराहम किए गए हैं। अभी आप अंदाज़ा लगाएं लाखों की आबादी किट्स फराहमी की सिर्फ 300 और सूबाई हुकूमत के अरबाब इख्तियार का ये आलम है कि सूबाई हुकूमत सियासी इंतकामी कार्रवाई में मसरूफ़ अमल है। उन्हें इतना मसरूफ है कि वो सिर्फ गैर नुमाइंदे लोगों को फैसिलिटेट करते हैं लेकिन अवामी नुमाइंदे जो आज से नेशनल असम्बली के मेंबर्स बने हैं, जो आज से प्रोविंशियल असम्बली के मेंबर्स बने हैं, जो अपोजिशन के जमातों से ताल्लुक़ रखते हैं लेकिन उनके लिए कहीं भी सहूलियात नहीं, ना इनको फैसिलिटेट किया जाता है ना उनकी बातें सुनी जाती हैं। जनाब स्पीकर साहब बलूचिस्तान के साथ एक सूबाई हुकूमत का जो इस्तेसालाना पॉलिसी है और बदकिस्मती से आज वहाँ पे ब्यूरोक्रेसी का दौरा है। पाकिस्तान की दीगर सूबों से DMG ग्रुप्स के ब्यूरोक्रेट आते हैं वहाँ पे क्वेटा में। उनकी जो जहन है उनका ये ख्याल है कि क्वेटा सिर्फ जरगूर रोड तक बलूचिस्तान महदूद है, बलूचिस्तान को सिर्फ जरगूर रोड तक ही महदूद समझते हैं और उन्हें बलूचिस्तान के लोगों के एहसास, बलूचिस्तान के लोगों के जज्बात, बलूचिस्तान के लोगों के मसाइल, बलूचिस्तान के लोगों की पसमानदगी, बलूचिस्तान के लोगों की गुरबत के हवाले से कोई भी सरोकार नहीं और ना ही जानते हैं। तो जनाब स्पीकर साहब मरकजी हुकूमत की जिम्मेदारी होनी चाहिए कि वो सूबे में ज़्यादातर एक कोशिश की जाए कि वहाँ के मकामी अफीसरान हो जो आपके दुखों का मदावा बन सके, जो आपके लोगों के मुश्किलात हल कर सके। हम वहाँ पे जो आला ब्यूरोक्रेसी है उसे माशकेल, उसे चमन, उसे नसीराबाद, उसे तुर्बत और खुजदार और गोहदर और जीवनी के बारे में क्या पता है कि वहाँ के लोगों की हालात ज़िंदगी कैसी है। तो जनाब स्पीकर साहब बलूचिस्तान में कोविड-19 के हवाले से तो बहुत से रुपए खर्च किए जा चुके हैं, अरबों रुपए रिलीज़ किए जा चुके हैं लेकिन उनका फ़ायदा आवाम तक, अस्पतालों तक, डॉक्टर्स तक आज तक नहीं पहुंच सके। तो कहने का मकसद है कि इस वबा में आज पूरी दुनिया इस वबा से मुश्किलात का शिकार है लेकिन आज सूबाई हुकूमत के हुक्मरान टस से मस नहीं हो रहे हैं। उन्होंने आज भी करप्शन की बाजार गर्म करके रखी है वहाँ पर। तो अगर इस तरीके से मामला चलाए जाए तो यकीनन बलूचिस्तान के लोग, बलूचिस्तानी अवाम आज मजीद मुतासिर होंगे और आज जो हमारी आबादी है उससे जो अमवात हो रहे हैं उस काफ़ी ज़्यादा अमवात हो रहे हैं बलूचिस्तान में। लेकिन सूबाई हुकूमत या मरकजी हुकूमत इस हवाले से इकदाम नहीं कर रही है। जनाब स्पीकर साहब टिड्डी दल के हवाले से, लोकस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बलूचिस्तान के लोग ज़रात मालदारी से वाबस्ता है क्योंकि जो माजी की हुकूमतें हुई हैं या हुक्मरान रहे हैं उन्होंने तो बलूचिस्तान में न सनतें लगाई हैं ना दूसरे सेक्टर को डेवलप करवाया कि लोग वहाँ पे सोशो इकोनॉमिकल हवाले से स्ट्रांग हो सके। लेकिन आज जो लोकस के हवाले से या टिड्डी दल के हवाले से जो मामलात हैं, हमारी फसलें तबाह हो चुकी है। बलूचिस्तान के बलोच बेल्ट, बलूचिस्तान के पश्तून बेल्ट्स में मामलात बहुत ही मुश्किलात का दोचार है। तो आया इन हालात में ना वहाँ पर
स्प्रे किया जा चुका है, नाम पे इकदाम किए जा चुके हैं, सिर्फ मामला वहाँ तक सीएम सेक्रेटरीट तक सोशल मीडिया के ज़रिए मामला को आगे बढ़ाया जा रहा है। बलूचिस्तान के लोगों के एहसास महरूमी, एहसास महकूमी, पसमानदगी बढ़ती जा रही है। हमारे लोग बेयार मददगार अस्पतालों में पड़े हैं, लेकिन ब्यूरोक्रेसी सूबाई हुकूमत बलूचिस्तान में भी वजीर सेहत कोई नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, हमारे वजीर आला साहब खुद ही वजीर सेहत भी है और मुख्तलिफ अहम जो डिपार्टमेंट्स है, जो की पोस्ट है, वो बलूचिस्तान के तमाम उन्हीं के हाथों में है। तो मैं समझता हूँ जनाब स्पीकर, आपका भी ताल्लुक बलूचिस्तान से है, आप भी बलूचिस्तानी फर्जंद हो, आप पे भी जिम्मेदारी होती है कि आज आप इस ऐवान के तवसुत से रूलिंग दें कि बलूचिस्तान में टिड्डी दिल के हवाले से, लोकस के हवाले से और कोविड-19 के हवाले से ऐसे इकदाम किए जाए ताकि हमारे लोग मजीद शहीद ना हो और मरीज सेहताब हो। शुक्रिया जनाब स्पीकर। बहुत शुक्रिया जी, बिल्कुल। अब मेरी दरख्वास्त होगी हमारे एमएमए के जो यहाँ पे पार्लिमानी कायद हैं असद।